कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में मूंग दाल पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको यहाँ पे मैंने दही वाली चटनी और टोमेटो सॉस के साथ में सर्व किया है। दही वाली चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, करूँगी इसी में। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ में मूंग दाल के पकौड़े बनाना शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल मूंग की दाल रात में सोक करके रख दी थी। ये साबुत मूंग की दाल है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं इसमें। तो आज हम इसी के पकोड़े बनाना शेयर करेंगे। तो इसको हमने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है। तो अब हम इसको एक जार में डालेंगे। हमने अपनी मूंग की दाल को जार में डाल लिया है। अब हम इसमें कुछ हरी मिर्च डालेंगे, 3 से 4, थोड़े से अदरक के टुकड़े डालेंगे कट करके, और इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे। और अब इन सबको हम ग्राइंड में पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। फ्रेंड्स, हमने मूंग की दाल को अच्छे से पीस लिया है और हमने इसको बहुत ही ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, इसको थोड़ा दरदरा ही रखा है, आप देखिए। और अब हम इसमें अपने थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसमें हम 1 पिंच हींग भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हींग के बेनिफिट्स तो आप सब जानते होंगे, ये हमारे पाचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने हमारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला नहीं करना है, सॉरी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, 1 से 2 स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम 5 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम अपनी दही की चटनी बना के रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिया है हरा, 2 हरी मिर्च ले ली है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और अपना ये हमारा घर का बनाया हुआ फ्रेश दही है, इसको डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। और हमारी दही वाली चटनी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब चलिए हम अपने पकौड़े बनाते हैं। अब हम अपने पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे गैस पे तेल को गरम कर लिया है। अब हम अपना इसको स्पून की हेल्प से ही ऐसे पकौड़े डालेंगे। आप चाहे तो इन्हें हैंड की हेल्प से भी डाल सकते हैं। फ्रेंड, ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं मूंग दाल। तो जब हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर भी हम लोगों को मूंग दाल के चीज़ें ही खाने के लिए प्रेफर करते हैं, सजेशंस देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, और आप इनको स्नैक्स के रूप में सुबह ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में कभी भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अब हम इनको पलट देंगे एक बार, और हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ना ही लो करना है फ्लेम और ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम करना है, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें धीरे से ऐसे पलट देंगे और पकाएंगे। हमारे पकौड़े
पक गए हैं, अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने हमारे पकौड़ों को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, तो लीजिए खाइए। यहाँ मैंने इनको दही वाली चटनी के साथ में और सॉस के साथ में सर्व किया है। ये बहुत ज़्यादा यम्मी है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग ज़रूर बना कर देखिए और बहुत टेस्टी लगते हैं।